सिंध में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। वफाक को सूबे को टेक ओवर करना चाहिए। कोरोना टेस्ट के लिए सिंध के अवाम को मुश्किलात का सामना है। रहनुमा पीटीआई खुर्रम शेर जमान की साईं सरकार पर लफ्जी गोलाबारी। कहा डॉक्टर्स और तिब्बी अमला कोरोना के खिलाफ सफे अव्वल के सिपाही हैं। सूबाई हुकूमत अस्पतालों और अमले को सिक्योरिटी फराहम करे। लड़काना इलेक्शन की तरह लोग आपको सबक सिखाएंगे। सिंध में होने वाली करप्शन को बेनकाब करते रहेंगे। हालात ऐसे हैं सूबे सिंध के कि हमें मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि ये वक्त आ गया कि वफाक को जनाब सूबे सिंध को टेक ओवर कर लेना चाहिए। अगर और इंतज़ार किया गया तो दिन ब दिन हालात ख़राब होते जाएंगे, हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। हालात ये हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर जगह ख़त्म हो गई है। हालात ये हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने लूटमार शुरू कर दी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो ज़मीनें दी गई हैं वो रफाई प्लाट्स हैं, वो ST प्लाट्स के ऊपर इनको ज़मीनें दी गई हैं। और मालूम ये चल रहा है कि एक पेशेंट को कोविड के प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो अंदाजन दिन में 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहा है। कि हर हॉस्पिटल के अंदर कोरोना की टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है? क्यों सुबह सिंध के अंदर सिंध के रहने वाले लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं? क्या यहाँ पे हर शख्स को ये बात मालूम है कि उसने कोविड का टेस्ट कहाँ से करवाना है? नहीं मालूम है। क्या आपने ऐसी एडवर्टाइजमेंट की है? क्या आपने कोई ऐसी कैंपेन चलाई है? लोगों को मालूम ही नहीं है।